मंडी जिला के आपदा प्रभावित स्थानों की सर्वे की रिपोर्ट जीएसआई ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को सौंप दी है। मंडी शहर में पुराने सुकेती पुल के समीप विश्वकर्मा मंदिर चौक के सामने भूस्खलन वाले स्थल पर 1 करोड़ से प्रोटेक्शन कार्य किया जाना है। इसमें रॉक बोल्टिंग की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। लोक निर्माण विभाग को कार्य के लिए 30 लाख रूपए जारी कर दिए गए हैं। वहीं धनेड़ा मोहल्ला के लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन जल्द से जल्द प्रोटेक्शन कार्य को करवाए। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण लोगों का भारी नुकसान हुआ है, जिस कारण कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा है। तो वहीं कई घर अभी भी ऐसे हैं जो खतरे की जद में है। अगर अगली बरसात से पहले जो ट्रेनिंग वॉल का कार्य नहीं हुआ तो इन घरों को भी खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो ट्रेनिंग वॉल व रास्ते बनाने का कार्य 2 महीनों से जारी है, लेकिन जिस तरह का कार्य होना चाहिए वैसा अभी तक नहीं हुआ है। लोगों ने चरणबद्ध तरीके से आरसीसी की रिटेनिंग वॉल लगाने की मांग की है। उम्मीद तो हम गवर्नमेंट से रखते ही है, क्योंकि चलो काम जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। और ये बरसात से पहले, बरसात सर्दियों में भी बरसात होती है, उसमें भी खतरा ही होता है, खैर है ऐसी बात नहीं, लेकिन मेन बरसात से पहले ये पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बरसात आने से पहले पहले जैसे हो रहा है काम, इस स्पीड में होता रहे और नीचे से डंगे लग जाएं, जो घर लटके हुए हैं वो थोड़ा मतलब सेफ साइड हो जाए। बाकी हमारे पड़ोसी हैं बेचारे चले गए हैं खाली करके, तो हम रह रहे हैं तो अपने रिस्क पे रह रहे हैं, तो अब एकदम छोड़ के जाएंगे भी कहाँ। तो यही है कि अब जैसे अभी बन रहा है, रास्ता बन रहा है, इससे थोड़ी होप हुई है हमारे को। अब नीचे है, नीचे भी बोल रहे हैं कि अब इसके बाद नीचे से शुरू हो, तो बरसात से पहले पहले शुरू हो जाए, ख़त्म हो जाए तो ठीक है। कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, अपने लेवल पे बेस्ट कर रही है। अभी प्रारंभ है, सिर्फ 2 फुट का रास्ता बनाने के लिए 30-35 लाख PWD विभाग को दिया गया था, परंतु उसके पश्चात जिस स्तर पर कार्य होना चाहिए उस प्रकार से अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ है। कारण क्योंकि पूरी की पूरी पहाड़ी दरक गई है, और अगर थोड़ी भी बारिश होगी तो ये और दरक सकती है। और सुनने में आया कि जो भी टीम आई थी, चाहे वैज्ञानिक की थी या कोई और थे IIT से, उन्होंने जहां इस तरह बताया कि यहां पर हम रॉक प्लास्टिंग करेंगे जिससे कि पहाड़ी को रोका जाएगा। और सुनने में ये भी आया कि 1 करोड़ जो है हमारे माननीय उपायुक्त महोदय जी ने सैंक्शन कर दिया है, जिससे पहली किस्त जो है वो PWD को 30 से 40 लाख इन्होंने आवंटित कर दी है। तो हम तो ये प्रार्थना करेंगे और जिला प्रशासन से भी, PWD विभाग से भी, कि वो तुरंत हमारे जो भी मकान 5-6 हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी तुरंत हो सके वो 3 या 4 ट्रेनिंग वाल लगाएं।